डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स। उसमें हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होती है, और फिर हम हॉल इफेक्ट का फॉर्मूला देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली, जैसे आप जानते हैं कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है इसके अबाउट के जिसमें किसी दूसरे मैग्नेटिक पोल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। और उसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में इंटर होती हैं। और अगर आप इस कंडक्टर के अंदर देखें तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो साउथ से जाएंगी और वापस नॉर्थ तक ये अपना ये पाथ कंप्लीट करेंगी इसके अंदर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, ये क्लोज लूप होता है हमेशा। तो ये हमेशा मीन कि अगर आप यहाँ से चलें इस पॉइंट से नॉर्थ से बाहर साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से दूसरी लाइन वो यहाँ से इस फॉलो करेगी इस पाथ को, और मैग्नेट के अंदर यहाँ से इधर ही। फिर इस तरीके से थर्ड ये वाली लाइन ले लें इस तरह, तो ये मैग्नेट की लाइन ये पूरी क्लोज होती है। तो मैग्नेट के अंदर लाइंस क्या होती हैं, वो ऑपोजिट होती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास चार्ज है और कोई चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर कोई चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, वो रेस्ट पर है और विद इन मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, वो जस्ट वो रेस्ट पर ही रहेगा। लेकिन जब वो मूव करेगा तो उसके चार्ज के रीजन में विद इन मैग्नेटिक फील्ड वो मूव करेगा, तो उसके मूव करने से उसके रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। ज़्यादा चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा होती है, जब वो मूव कर रहा होगा तो उसके अबाउट जो जहाँ जहाँ वो मूव करेगा उसके रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जब वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो ऑलरेडी था, वो दोनों इंटरेक्ट करेंगी और उससे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी, जिससे वो बेंड कर जाएगा। और वो फोर्स इस तरह लगती है कि वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करती है कि वो चार्ज कितना ज़्यादा है, उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। तो दैट इज़ कि चार्ज इक्वल है क्यू, फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू क्यू, दैट इज़ चार्ज कितना है, उसकी स्पीड क्या है विद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी क्या है, और साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इज बिटवीन एंगल बिटवीन वी एंड बी, उसकी स्पीड इनके ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड है वो इस तरफ आ रहा है, वेलोसिटी है इस तरफ आ रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, इस तरफ। तो इनके बीच का एंगल बी और बी का एंगल वो थीटा है। ये एंगल अगर ज़ीरो हो जाए, मीन के चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करें, लाइक कि वो इधर मूव करें मीन के अलॉन्ग, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो जाती है, फिर कोई फोर्स नहीं लगती। और अगर ऑपोजिट मूव करें फिर भी कोई फोर्स नहीं लगती। तो जैसे जैसे ये एंगल ज़ीरो से इंक्रीज होता जाता है, मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होती है। जब ये एंगल 90 होता है तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होती है, और 90 से आगे होगा 180 तक तो फिर फोर्स डिक्रीज होगी, 180 पे जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग या बिल्कुल ऑपोजिट मूव कर रहा है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, क्योंकि उसमें फील्ड जो है वो आपस में इसकी इंट्रैक्शन इस तरह होती है कि नेट फोर्स वो नहीं बनती। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, तो वो फोर्स जो लगती है वो जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर लग रही है वो उस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड बी के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि इससे जो प्लेन बनेगा, वी और बी को मिलाएं तो जो प्लेन बनेगा, मीन ये प्लेन बनेगा ये वाला, तो मैग्नेटिक जो होगी फोर्स होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो मीन कि जो वो देखेंगे, ये फोर्स वी के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, और उस इस फोर्स की डायरेक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल ये कहता है कि वो आप उस चार्ज पार्टिकल को आप इस तरह आप इमेजिन करें कि आप फिंगर्स कल करें, अपनी फिंगर्स कल करें फ्रॉम वी टू बी, नॉट बी टू ई, वी टू बी कल करें, तो उस पर जो थंब इधर होगा वो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी, ठीक है। कि अगर वेलोसिटी इधर है, बी इधर है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर बनेगी, और अगर वेलोसिटी इधर है, बी इधर है और नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए फोर्स जो है वो अपोजिट हो जाएगी। यानी कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए ये राइट हैंड रूल, और नेगेटिव चार्ज के लिए फिर आप उसी को ऑपोजिट डायरेक्शन ले लें, ठीक है। या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी कर सकते हैं, जो कि आप पहले इसी में कर चुके हैं
कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए और कन्वेक्शन करंट के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है। तो हम वापस आते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि वी क्रॉस बी इक्वल होता है वी बी साइन थीटा। तो जो वी बी है साइन थीटा, इसको लिख लीजिए वी क्रॉस बी, इसमें बी और बी ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है इसमें। तो बेसिकली फोर्स इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी, ठीक है। अब इसके फोर्स की डायरेक्शन को थोड़ा देख लेते हैं, जो किस तरह डायरेक्शन कैसे हम निकाल सकते हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल इंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज कर लें कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है, इस पर अगर वेलोसिटी इधर है, तो इस पर अगर हम ये राइट हैंड रूल लगाएं तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी, ठीक हो गया। अब जब ये थोड़ा सा मूव करके इधर आ जाएगा, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गई, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, फिर यहाँ पर कहीं आता है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी टेंजेंट सर्कल के अलॉन्ग, और फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी एफ बी, मैग्नेटिक फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है। इस तरीके से जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं हर पॉइंट पे देखें वेलोसिटी टेंजेंट है, और जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो टूवर्ड सेंटर लग रही है हर पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फोर्स टूवर्ड सेंटर लग रही है तो वो पे क्या हो जाएगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जिससे ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और ये जो इसकी सर्कुलर मोशन होगी, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन ये होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होती है कि जिसमें कोई बॉडी इस सर्कुलर पाथ में मूव करे विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, लेकिन वेलोसिटी डेफिनेटली यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर इंस्टेंट के ऊपर। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड एक फिक्स स्पीड से ये रोटेट कर रहा है। इस मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पाथ बनता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड भी पूरा नहीं बनता कि फील्ड कम रीजन पर है, मीन के सपोज कर लें फील्ड इस रीजन पर है और वो इधर सेंटर होता है और फिर ये यहाँ से सर्कुलर बनाता हुआ ये बाहर निकल जाएगा। तो इसको अगर आप कंप्लीट करें इस पोर्शन को तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, इसका सेंटर ये होगा, लेकिन चूंकि ये वो फील्ड के अंदर नहीं था इसलिए ये जस्ट क्या होगा कि इधर सेंटर होगा और इस पर फोर्स लगी उधर मूव कर जाएगा, ठीक हो गया। तो लेकिन ये जो पाथ बनेगा फील्ड के अंदर ये वाला, ये सर्कल रहेगा, इसके बाद आगे ये स्ट्रेट लाइन पर सीधा जाएगा और इधर भी ये स्ट्रेट इधर आ रहा था, ठीक है, क्योंकि इससे आगे कोई फोर्स नहीं लगेगी तो बिल्कुल स्ट्रेट आगे चला जाएगा। तो इट मींस कि जो जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और ये सर्कुलर इसका जो पाथ होता है वो सर्कल होता है या आर्क ऑफ सर्कल होता है। तो अब हम देखते हैं कि फोर्स किसकी इक्वल होती है, एम ए भी हम कर चुके हैं, इस केस में एक्सेलरेशन ए आर आ जाएगी, और F इज इक्वल टू जो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्यू वी बी साइन थीटा, अभी हमने देखा था क्यू वी बी साइन थीटा, और इस केस में हम एंगल 90 ले रहे हैं, इस केस में एंगल 90 ले रहे हैं, तो साइन 90 थीटा 90 है, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो फोर्स क्या आ जाएगी क्यू वी बी, यहाँ पर F इज इक्वल टू क्यू वी बी, इसमें हम 90 एंगल ले रहे हैं क्योंकि ये देखिए स्पीड इधर है हर पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड वी या वेलोसिटी वी इन दोनों में वी और बी, बी और वी इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है। सो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, और ये क्यू वी बी क्या है, एज ए सेंटीपीटर फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये बन जाएगी एम वी स्केयर ओवर आर, यहाँ से आर क्या आ जाएगा एम वी ओवर क्यू बी, ये बताते हैं हमें कि जो इसका सर रेडियस बनेगा आर वो इसकी इक्वल जाएगा एम वी ओवर क्यू बी। ये जितना ज़्यादा मैस होगा, मैस ज़्यादा होगा तो उसको डेफिनेटली उसको बेंड करना मुश्किल होगा, बेंड करना मुश्किल होगा तो वो फिर इस तरह ज़्यादा बड़ा सर्कल बनाएगा, ठीक है, क्योंकि हैवी चीज़ को बेंड करना मुश्किल होता है ना, तो वो सर्कल बड़ा बन जाएगा, तो वो रेडियस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उससे भी रेडियस क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड टेंड करिए कि स्ट्रेट आगे जाए, तो वो फिर रेडियस बड़ा हो जाएगा। क्यू अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होती है ना क्यू, और इस पर तो क्यू ज़्यादा है तो वो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और उससे वो ज़्यादा बेंड करेगा, रेडियस कम हो जाएगा ये, और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो भी मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, उसको ज़्यादा बेंड कराएगी तो रेडियस कम हो जाएगा, जितना ज़्यादा बेंड करता है रेडियस उसका छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा क्या होता है वी ओवर आर, और वी हमारे पास अभी हमने ऊपर ये देखें क्यू वी ओवर, यहाँ से हम निकाल लें
वी ओवर आर, इधर से वी ओवर आर, तो ये क्या बनेगा, क्यू वी ओवर एम। और यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टू पाई ओवर वी और या टू पाई ओवर ओमेगा, तो बन जाएगा टू पाई एम ओवर क्यू वी। तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है ओमेगा का और टाइम पीरियड टी का। तो यहाँ से हम निकालते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रहे हैं, ये ओमेगा क्यू बी ओवर एम, ये यहाँ से साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और ये बेसिकली यूज़ होती है साइक्लोट्रॉन एक्सेलेटर्स में, जिसमें चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं, एक्सेलेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि इसमें अभी हम अभी तक हमने देखा कि जो चार्ज पार्टिकल है वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के क्या था, वो परपेंडिकुलर था। तो अब हम देखते हैं कि अगर वो इस तरह चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, कि उसकी वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है जब वो एंटर हो रहा था, तो उस वक्त तो उसका वेलोसिटी के अलोंग कोई कंपोनेंट था। पहले तो ये था ना कि जब वो एंटर हुआ था यहाँ, तो उसका वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड बी के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं था, बी के वो परपेंडिकुलर था। जब वो बी के परपेंडिकुलर थी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का बी के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अब वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि उसका वेलोसिटी का बी के अलोंग कोई कंपोनेंट बन रहे हैं, जिससे इस फिगर में है कि अगर तो वो बी के परपेंडिकुलर होता तो वो बिल्कुल सीधा इस तरह जाता है ऐसे ऊपर, ठीक है। तो वो एक इधर इसी इसी सर्कल में यहीं पे वो गोल घूमता रहता है, इस तरह जस्ट इस तरह बनता है ये इधर, और इसी सर्कल में ये एक्स वाई जी प्लेन में वो गोल टर्न करता रहता है। लेकिन अब ये हो रहा है कि अब उसकी वेलोसिटी है वो बिल्कुल इस डायरेक्शन के बजाय थोड़ी सी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी है वो इधर है, वो अगर आप यहाँ देखें थोड़ी सी इस तरफ है ऐसे है, ठीक है ना। अगर वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता तो रेड होती, जबकि एक्चुअली क्या है, वो इनिशियली जो है वो टेंजेंट बनाए तो वो इस तरफ है वेलोसिटी। अगर इस तरफ है तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर बन रहा है, जहाँ पर ये एक कंपोनेंट ये बन रहा है वेलोसिटी का और एक ये बन रहा है। अब ये जो कंपोनेंट वेलोसिटी का बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तो इससे क्या होगा कि ये इसकी जो ये वाली वेलोसिटी है, क्योंकि बी के अलोंग तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है, ये एक्स कंपोनेंट इसको हम कह दें, वो कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि इसके क्योंकि वो जो कंपोनेंट है ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड बी के अलोंग है। तो हम अभी देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी के अलोंग फोर्स नहीं लगती, मैग्नेटिक फोर्स इसके लगा कि ये वेलोसिटी फिर इसकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इधर एक्सेलेरेशन जीरो है, ए एक्स जीरो है, मीन कि उसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट है वो जीरो है। तो उससे क्या होगा कि ये इस वेलोसिटी से इधर मूव करेगा इस तरफ, ठीक हो गया। और साथ जो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, वो उसको सर्कुलर में मूव करवा रही है, तो दोनों का इफेक्ट ये होगा कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सर्कुलर में मूव करेगा, और साथ साथ जो वेलोसिटी इसको इधर मूव करवा रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, वो थोड़ा इधर भी जाता जाएगा, तो ये एक स्पाइरल पाथ में इस तरह मूव करेगा, एक स्प्रिंग पाथ में, ठीक है। इसको भी डिफरेंट एप्लीकेशन में आगे यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स लगती है, क्योंकि इधर उसके अंदर भी चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो जब चार्जेस मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगेगी। अब कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, वो किसकी इक्वल होती है, आई एल क्रॉस बी, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एंड एफ इज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ कंडक्टर। इसमें एल जो है वो याद रखना है, एल वो लेंथ है जो उस मैग्नेट फील्ड के अंदर वाली लेंथ है, मतलब इसकी देखें पूरी लेंथ तो ये वाली है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी लेंथ है, लेकिन ये काउंट नहीं होगी, वो लेंथ काउंट होगी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मीन के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी कितनी लेंथ आ रही है उसको भी मैं हाईलाइट कर दूँ, वो यहाँ से यहाँ बस ये वाली लेंथ आ रही है, ये वाली मैग्नेट के अंदर जो आ रही है, तो ये लेंथ काउंट होगी, ये एल, ठीक है, ये वाली लेंथ काउंट होगी। इस तरीके से यहाँ देखें कि मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ से यहाँ है तो ये लेंथ एल होगी, सिर्फ ये वाली यहाँ से यहाँ। अब जब इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो वो डेफिनेटली या इधर बेंड कर जाएगा या इधर, वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। इसमें भी वही आप फ्लेमिंग्स रेफरेंस रूल से आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये था कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें हम डायरेक्ट ये लगा सकते हैं आई एल क्रॉस बी। अगर कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, इस तरह कर्व शेप है, तो उसका तो फिर जो एंगल चेंज हो रहा होगा हर पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि उसमें छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डी एस, मीन के इस पे छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया ये लेंथ पे डी एस, सच डैट कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है तो उसका एंगल कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसके लिए अगर मैं फोर्स निकाल लूँ डी एफ जो इसके ऊपर लग रही है, सिर्फ इस लेंथ एलिमेंट पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है, डी एफ बी इज इक्वल टू आई डी एस क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ मैंने लेंथ की बजाय लेंथ एल की बजाय क्या लिया डी एस, एल की बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एस, ये
बाकी वही रहेगा IL LDS क्रॉस बी, ये DS इधर, ठीक है, इसकी इधर डायरेक्शन है, ये शो करेगा जो लेंथ की डायरेक्शन है वो लेते हैं जो करंट के अलोंग में। अच्छा अब टोटल फोर्स हमने निकालनी थी बेसिकली, तो उसको हम फिर क्या करते हैं कि इसी को इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी वो पॉइंट आ जाएंगे जो फील्ड के अंदर हैं उसके पॉइंट्स, तो उसको इंटीग्रेट कर लें ए टू बी डी एस क्रॉस बी, तो ये टोटल फोर्स आ जाएगी अगर जो है वो कोई ऑर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है तो, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए डायरेक्ट और ऑर्बिट्रेरी शेप के लिए ये आ जाएगा डी एस क्रॉस बी। अच्छा अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ऑर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है लेकिन वो क्लोज लूप बना रहा है इस तरह, जिस तरह ये एक वायर है या कोई कंडक्टर है ये क्लोज लूप बना रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जितना देखेंगे करंट इधर है उतना ही कहीं करंट इधर ऑपोजिट आ जाएगा, हर पॉइंट पे जितना करंट एक डायरेक्शन में होगा उतना ही ऑपोजिट दूसरे डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इस केस में जो फोर्स रहेगी आई क्लोज, ये क्लोज इंटीग्रल आ रहा है डी एस। क्लोज इंटीग्रल क्या होता है कि वो अगर आप यहाँ से चलें तो ये पूरा डी एस क्लोज इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ये पूरी ये लेंथ आ जाती है ये वाली, इसकी ये क्लोज इंटीग्रल इसकी पूरी लेंथ देगा ये वाली क्रॉस बी। ये किसकी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ से चलें डी यहाँ से लेके यहाँ तक, और डी एस वेक्टर क्वांटिटी है मतलब से डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर आप एक पॉइंट से चलें वापस उसी पॉइंट पर आ जाएँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो। और डी एस यहाँ पर ये समेशन डी एस मीन कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो डी एस ज़ीरो होने से ये ज़ीरो हो जाएगा तो वो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज लूप है कंडक्टर है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उस लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, ज़ीरो, वो वही वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। बाकी जो है ये देखा था कि ये मूव कर सकते हैं और ये भी मूव करेगा इधर मैग्नेटिक फील्ड या बेंड कर जाएगा, अगर इसके एंड फिक्स एंड क्यू है, इसका एंड फिक्स है तो ये बेंड कर जाएगा, अगर फिक्स नहीं है तो ये मूव कर जाएगा। तो नेक्स्ट की क्लास में हम देखेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर एंड हॉल इफेक्ट। थैंक यू।